हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद और आज मैं लेके आया हूं आपको अपने गांव के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक किसान की ज़िंदगी कैसी होती है, क्या वो खाता है, कैसे वो अपने खेतों में काम करता है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं घर पर और आप ये बेलनी देख रहे हैं और ये इस भगोने के अंदर दही। इस बेलनी से इस दही को मथा जाएगा ऐसे, तो मक्खन ऊपर आ जाएगा और बटर मिल्क या छाछ नीचे रह जाएगी। और ये देखिए, सिल है, ये पत्थर का होता है और ये बट्टा, इससे पीसी जाती है चटनी। फ्रेंड्स, वैसे तो हम घरों में, शहरों में ग्राइंडर से करते हैं चटनी तैयार, लेकिन फ्रेंड्स जो मज़ा इस चटनी का है वो आपको ग्राइंडर वाली चटनी का कभी नहीं आ सकता। तो फ्रेंड्स, ये सुपर फाइन चटनी हमारी तैयार हो गई है लहसुन और लाल मिर्च की, और हमारा मक्खन भी अब तैयार हो चुका है। आप ये देख रहे हैं, छोटे छोटे मक्खन के स्पॉट्स आ गए हैं बेलनी पर। और ये भगोना जो है, इस पर भी आप देख रहे हैं ये मक्खन ऊपर आ चुका है। तो अब इस मक्खन को कलेक्ट कर लिया जाएगा और जो बचेगा बाकी का सब बटर मिल्क होगा और या छाछ होगी। और फ्रेंड्स, बटर मिल्क छाछ पेट के लिए बड़े फ़ायदेमंद है, ठंडा होता है, आपके पेट के अंदर अगर गर्मी है तो ये वो बीमारी को दूर कर देगा। और ये मक्खन एकदम ताज़ा फ्रेश आ गया है। और फ्रेंड्स, ये हल्की चूल्हे की आंच पर खाना बनता हुआ, बहुत जायकेदार खाना बनता है फ्रेंड्स चूल्हे पर, हल्की आंच पर। अब साइड बाय साइड फ्रेंड्स रोटियां भी आप देख रहे हैं तैयार हो रही हैं। तो आप ये देख रहे हैं रोटी को सेका जा रहा है इस तरीके से। फ्रेंड्स, इस रोटी को इस तरीके से जो सेका जाता है तो इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। और फ्रेंड्स, गांव देहात में सारी चीज़ एकदम प्योर होती हैं, घर का दूध होता है, घर की दही होती है, तो ताज़ा घर का मक्खन होता है, ताज़ा घर की बनी हुई रोटियां होती हैं। आप इनको पेट भर के खाइए, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी क्योंकि इनके अंदर मिलावट नहीं होती, सब कुछ ए टू जेड प्योर होता है। और इसीलिए गांव देहात का जो आदमी होता है कम बीमार पड़ता है और ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा मेहनत के काम कर सकता है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि गांव देहात में गैस चूल्हे नहीं हैं, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हम अपनी ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। इसलिए वो सब फैसिलिटी होने के बाद भी आज भी जैसे हम हमारे बुज़ुर्ग बनाते आए हैं खाना, उसी तरीके से अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा खाना इस तरीके से बनता है चूल्हे पर, आप ये देख रहे हैं। और गरम गरम रोटियां जो उतर के आती हैं चूल्हे से, चूल्हे के पास बैठकर खाने का मज़ा ही अलग है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये रोटी सिकती हुई, और देखिए कितनी फूली फूली बेहतरीन रोटी ये तैयार हो गई है। और ये हमने इसको हॉट पॉट में रख दिया है। फ्रेंड्स, ये है हमारा खाना, चटनी हमारी तैयार हो गई है, बटर मिल्क या छाछ जिसे बोलते हैं वो भी तैयार है, रोटियों पर मक्खन और चटनी लगा दी गई है। और ये अगर आपको एक्स्ट्रा मक्खन चाहिए तो आप ये भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कर लेते हैं पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा, ये बड़े बूढ़ों की कहावत है। और खाना खाने के बाद फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं खेतों की तरफ, तो अब हम अपने खेत तैयार करेंगे ताकि हम उसमें गन्ने की फसल लगा सकें। कुछ लोगों ने ऑलरेडी लगा दी है फसल, हमें लगानी बाकी है। देखिए, एक खेत अभी रिसेंट में तैयार हुआ है, हमें भी ऐसे ही तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, हम आ पहुँचे अपने खेत पर, मैं हूँ ट्रैक्टर पर, और अब हमें भी ऐसे ही गड्ढे बनाने हैं और इनमें गन्ने की फसल हम लगाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना काम। और ये देखिए, यहाँ पे गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जा रहे हैं और फिर इनको इन गड्ढों के अंदर ऐसे डालकर मिट्टी से ढक दिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ तैयार जो गड्ढे हैं उनके अंदर ये डाला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जब ये काम होता है तो घर परिवार, आस पड़ोस वाले सब लोग आ जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है काम करने में, सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक सामाजिक ताना बाना भी मजबूत होता है इस तरीके से। फ्रेंड्स, हमने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, हम गड्ढे बना रहे हैं।
और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये काम करने में। हमें पूरा खेत इसी तरीके से तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कहते ना फ्रेंड्स, मेहनत का फल मीठा है, तो हमको पीने के लिए मिली है ये कोल्ड ड्रिंक और खाने के लिए नमकीन, तो हम सब यहाँ पे एंजॉय करेंगे।